हिसार में से आप जब हीट आएंगे तो आपको बचेगा सार, सार व्यापार का, सार बचेगा आपको स्वच्छता का, सार आपको बचेगा अध्यात्म का, सार आपको बचेगा व्यापार का, सार आपको बचेगा एजुकेशन का। हिसार की धरती जितनी हरे भरे खेतों, जिद और जुनून से भरे खिलाड़ियों और कारोबारियों के लिए जानी जाती है, उतनी अपनी ऐतिहासिक महत्ता के लिए भी जानी जाती है। इस शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह का किला आज भी यहाँ मौजूद है। इस किले में मौजूद है गुजरी का महल भी। गुजरी यानी फिरोज शाह की रानी। हिसार शहर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, बसाया था। यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है दैट इज़ गुजरी महल, जो उनकी वाइफ के नाम पे स्थित है, उनकी वाइफ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गुजरी उनकी वाइफ का नाम था। हिसार शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पर्यटन के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे अग्रोहा एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर अग्रसेन जी का बसाया हुआ शहर था पहले, जो अब शायद नीचे दब गया है जमीन में, वहाँ पर एक विशालकाय मंदिर है। लेकिन आज ये किला उपेक्षा का शिकार है। इस किले के प्रवेश द्वार पर ही इतना अतिक्रमण है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट यहाँ का गेट तक नहीं खोज पाते हैं। और ये राष्ट्रीय स्मारक है और लोगों को पता ही नहीं है बस स्टैंड के सामने है किला, क्योंकि बाहर इंडियन कॉन्सुलेट है, ऑटो वगैरह खड़े रहते हैं। कई बार चिट्ठी वगैरह दी है अफसरों को, SHO को, कि हटाया जाए। बाहर से पर्यटक आते पूछते इसका दरवाज़ा कहाँ है, क्योंकि ये बिल्कुल इतना बस स्टैंड के सामने है, होते हुए भी लोगों को नज़र नहीं आता, पैदल वाले भी नहीं आ सकते अंदर। गुजरी महल है, ये बहुत पुरानी ऐतिहासिक स्मारक है यहाँ पर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर सरकार की तरफ से देखें तो बहुत कोताही बरती जाती है। इतनी अच्छी धरोहर है, अगर हिसार में इसको डेवलप किया जाए तो एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। हिसार में ही है लाल सड़क। कहते हैं कि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को इसी सड़क पर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। स्वतंत्रता सेनानियों के खून से ये सड़क लाल हो गई थी और तब की जनता से इसे नाम दे दिया गया लाल सड़क। लेकिन आज की जनता का कहना है कि इस ऐतिहासिक धरोहर के रखरखाव पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ लाला हुकमचंद जैन, जो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे और स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े पुरोधा रहे, उनको अंग्रेजों ने सड़क पर डालकर उसके ऊपर गिरडी बोलते हैं, जिसे हम बुलडोजर बोलते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर फिरा दिया गया था, और जिससे वो सड़क पूरे लाल रंग से सन गई थी, इसलिए उसका लाल सड़क नाम पड़ा गया। वहाँ एक ऐतिहासिक स्थल भी है और ऐतिहासिक मोनूमेंट भी बनाया गया है लाला हुकमचंद जैन के नाम से। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्था का यहाँ काम करने का मन नहीं करता कि इस धरोहर को बचाया जाए। हिसार के बारे में बताने को बहुत कुछ है। रियलिटी चेक करने से पहले हमने यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग से ये जानना चाहा कि यहाँ की मुख्य परेशानियाँ क्या हैं और जनता आखिर चाहती क्या है। इस सरकार के अंदर व्यापारी लूटा है और प्रदेश का किसान पिटा है। 4 साल के अपने कार्यकाल के अंदर इस सरकार ने 1 रुपये की भी व्यापारी को किसी प्रकार की सुविधा व रियायतें नहीं दी। हिसार में काफ़ी बड़ा शहर है और चंडीगढ़ जाने में क्लाइंट को भी और एडवोकेट्स को भी काफ़ी समस्याएं आती है, तो एक हाईकोर्ट की बेंच हिसार में स्थापित होनी चाहिए, जिससे आमजन को और वकीलों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। और दूसरा जो है, चंडीगढ़ के लिए हिसार में लंबे समय से ये मांग उठती आ रही है कि हिसार से चंडीगढ़ की ट्रेन सीधी होनी चाहिए, तो एक हिसार चंडीगढ़ सीधी रेलवे सेवा की बात हो, या हिसार में जो मुख्य तौर पे जो कार्गो एयरपोर्ट की जो मांग है, वो हिसार का एक मुख्य इश्यू है,
क्योंकि उससे जो है यहाँ काफ़ी जो बिजनेस भी बढ़ेगा और कॉरपोरेट सेक्टर में भी काफ़ी इंक्रीज होगा। हिसार की जनता अपनी सरकार के बारे में क्या कह रही है और हिसार के नेताओं ने अपने चुनावी वादों में से कितने पूरे किए, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने जब मखंड गांव को गोद लिया तो गांव वालों से कई वादे किए, लेकिन अफसोस कि चार साल बीत जाने के बाद भी वो वादे पूरे नहीं हो पाए। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप गांव वाले लगा रहे हैं और इसी वजह से गांव के लोग अपने सांसद से नाराज तो नहीं, खुश भी नजर नहीं आते। जो ग्राम सांसद जो हमारा गाँव गोद लिया गया था उसके तहत उन्होंने एक तो ये कहा था कि गांव में गोबर गैस प्लांट लगेगा, वो भी नहीं लगा है। भाई जो डायरी वगैरह बनानी है वो भी नहीं बनी है। क्या नाम फिर ये जैसे गलियां का निर्माण उन्होंने जो बजट दिया था, ये जो सड़क मैन सड़कें वो ऊंची है, जो ये कॉलोनियाँ की गलियाँ हैं नीचे, इनमें पानी भर जाता है। हाँ, और गाँव स्कूल में तो ऐसा है, ये पुराना स्कूल है, टीचरों की कमी है। उन्होंने कहा था कि हम भाई इसमें टीचर भी पूरे करेंगे, वो भी नहीं काम पूरा किया गया है। ये प्लस टू का करना की घोषणा करी थी वो भी नहीं पूरा हुआ है। आपकी नज़र में खरे उतरे हैं सांसद? नहीं सर, हमारी नज़रों में खरे नहीं उतरे सांसद। यहाँ वादा किया गया था कि मिल्क प्लांट लगेगा, जिससे गांव के किसानों को, गरीब मजदूरों को, भाइयों को जो भैंसें रखते हैं उनको डेवलपमेंट होगी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर उन्होंने गोबर गैस प्लांट लगाने की काम बात की तो वो नहीं किया उन्होंने। तो समस्या है ना, तुम्हारे राशन कार्ड ना कोई ऐड बगड़ में किलो नहीं आ रही, ढूंढ मारे हम तब दिखावांगे मौका, इतने इतने पानी खड़े हो ढूंढा में से मारी है। सरकार का गला हमें लग जा, सरकार मारा पीछे नहीं लगती, कौन से कानून में भी नहीं लगती। वोट जो उसके दुआवा हैं उसके तय दिल तो वोट दिया हाँ, पर उसका तो रजावा जो खैरा बैरी करा है, कोई किसी का काम नहीं बने रहा हमारा बगड़ में। सांसद जी के गोद लिए गाँव में बाकी सुविधाएं छोड़ दीजिए, पीने के पानी तक की किल्लत है। पानी की बहुत दिक्कत है जी, ईशा तीनों गलिया में तो पानी आंदा है कौन जी, मारी तीन गलिया में पानी के डिग्गी डागी बनुआ राखी, डिग्गी चलू कौन कर राखी जी, पानी आंदा है कौन मारे गंदो ऊ तो ले चलू कर रखे। बहुत ज्यादा दिक्कत है जी, पानी नहीं आना, पीने का तो बहुत खराब पानी है। पानी जी ना तो सफाई तो आंदा कदे आवा जी, और बहुत दिक्कत जी, गंदगी का आवा जी, बहुत दिक्कत है जी, आवा आवा ना भी आवा जी। गांव गोद लिया जी दिन कहा था जी बहुत सहूलियत करांगे इस गांव में, सुविधा करांगे जी, कोई सुविधा नहीं। कर्ज उतरे कर तो 8-8 लाख रुपये जमींदार पर उतरे कर गए, मेहनत करी कोई मजदूरी करी कि और रह रही है 1-2 लाख रुपये तो दुख पावा यहाँ। ये बमरणी 2 साल दुआई दरा दी जिंदल में मर गए, ये मैं तो तंग पावा, खर्चे भी काटने पड़े क्यों कर लिकड़े में। रोशनी के पति, ससुर और जेठ की मौत कैंसर से हो गई। कहानी सिर्फ रोशनी के घर की ही नहीं है। नलवा विधानसभा के चिदौड़ गांव में पिछले 10 साल में 20 मौतें कैंसर से हो चुकी हैं। कैंसर से हमारे गांव में 10 साल के अंदर में खाली 15-20 मौतें कैंसर से हो चुकी हैं और तकरीबन मौतें जवान ही मौतें हुई हैं। तो उसकी वजह से गांव से परेशान है, उसकी वजह से हमने मीडिया के अंदर दिया इसके बारे में और मीडिया ने रोल भी उठाया और मीडिया ने प्रचार भी किया था। केंद्र की टीम यहां मीडिया सर्वे करने के लिए आई, वाटर सप्लाई का भी पानी टेस्ट किया और उन्होंने किया, लेकिन हर जगह उसके निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, वो केवल सर्वे करके चली गई लेकिन तय तक नहीं जा पाई भी किस वजह से कैंसर हुआ है। गाँव वालों का कहना है कि उनके यहाँ जो सरकारी पानी आता है वो इतना दूषित है कि कैंसर का कारण बन रहा है। लोगों ने हमें बताया कि पीछे के गांवों से जो पानी उनके यहां आ रहा है उसमें जानवर नहाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं और वही पानी इन्हें पीना पड़ता है। गांव के अंदर जो पानी की बड़ी भारी मेन समस्या है और पानी के ज़्यादातर है टीडीएस, इसमें बहुत ज़्यादा है।
और जो पानी आता है वो काड़वास गांव से वाटर सप्लाई की लाइन बनी हुई है उससे आता है, तो वहाँ पर लोग पशु बांधते हैं और लोग स्प्रे खेतों में जो स्प्रे करते हैं उसका पेस्टिसाइड भी मिलकर उसके अंदर आता है, उसकी वजह से वो सारा सारा डिग्गी में जाता है। और इस यहाँ इस एरिए में तकरीबन ऐसा कोई गाँव तो बचा नहीं जहाँ कैंसर की मौतें नहीं हो। आमतौर पर आजकल हर गाँव में एक दो मौतें दो चार महीने के अंदर हो जाती है। लोग जो है बाहर ट्यूबवेलों से और सोर्स से पानी पीते हैं ला करके, और जो पानी मतलब नहर से आ रहा है डिग्गी में पीने के लिए जो सरकारी वाटर सप्लाई है वो नाला जो है खेतों के बीच से होकर के आ रहा है दूसरे गांव से, और वो लोग उसको ढकने नहीं देते, उसकी वजह से पानी में पेस्टिसाइड और गंदा पानी मतलब कपड़े धोके भी डाल देते हैं उसकी वजह से पानी गंदा आ रहा है। मतलब सरकार से अप्रोच की भी नाला बंद करवा दो ऊपर से ढकवा दो, तो उनने कहा कि कड़वा सोड़ा ने भाई हमारे को नाले का जो है मुआवजा नहीं दिया हुआ, हम नहीं करने देते, करने नहीं दिया। चुड़ौंद गांव की स्थिति ये हो गई है, इसे अब कैंसर वाला गांव कहा जाने लगा है। लेकिन दर्द सिर्फ इतना ही नहीं, दर्द ये भी है कि गांव के लड़कों की शादी नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी को इस कैंसर पीड़ित गांव में नहीं ब्याहना चाहता है। लोग बाहर से जाकर के पानी लेकर के आगे पीते हैं, मतलब कहीं हैंड पंप से या कहीं और सोर्स से पानी लेकर के आते हैं। दिक्कत बहुत है, इवन मतलब जो है बच्चे 20-20 साल के 22-22 साल 25 साल के हो रहे हैं, उनकी शादी नहीं होती सिर्फ इस वजह से कि गांव कैंसर का है। यहां के पानी की टेस्टिंग के लिए सरकार की तरफ से कई बार सर्वे टीम भी आई, कैंप भी लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि समस्या का कोई हल नहीं निकला। इस गांव का आखिरी सत्य यही है कि आज भी गांव के लोग कैंसर से पीड़ित होते जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार जी हमने कई बार अप्रोच किया, कुछ नहीं, एक दो बार कैंप तो लगे हैं लेकिन उससे का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले भी एक कैंप लगा था, वो तो प्राइवेट कंपनी ने लगाया था लेकिन उसका कोई फायदा कोई नहीं है। भाई सांस ही को नहीं है, न कोई खाना स्वाद लग गए, कुछ डॉक्टर दवाई दे दे हैं, आ जाओ वहाँ। ये गला रुक गया था या नास में, उन लोगों को सीधा नास रुक गई थी कैंसर के वजह से। नलवा से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रणवीर गंगवा से हमने गांव वालों की समस्याएं बताई। विधायक जी ने ये तो माना कि पानी के चलते कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन इसका कोई हल उनके पास भी नहीं था। जहां तक नलवा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो नलवा एरिया वो इस टाइप का एरिया है जो राजस्थान के साथ लगता हुआ है, एक साइड में भिवानी का क्षेत्र लगता है, और एक तरह से मैं ये कहूँ कि हमारा जो क्षेत्र है वो एक तरह से ड्राई क्षेत्र है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय से इस क्षेत्र के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। इधर नलवा से कांग्रेस नेता इस पूरे मामले पर राजनीति करते नजर आए। कैंसर एक भयानक बीमारी है और चिड़ौद में तो खास तौर पे हम रोज़ाना सुनने को मिलता है कि भाई आज ये आदमी भी कैंसर से प्रभावित है, ये भी कैंसर से प्रभावित है, अनेकों मौतें हो चुकी हैं। और हमने कई बार आवाज़ उठाने का काम भी किया, इसका क्या कारण है ये अभी तक सरकार बता भी नहीं पाई है, ताकि वहाँ के लोग उस बात को, जिस बात से कैंसर वहाँ पनप रही है तो लोगों को पता चल सके। तो जैसे कुएँ का पानी ख़राब हो या कोई अन्य चीज़ें जिसमें ऐसा कोई साल्ट हो उस धरती में, तो उसका पता लगा करके सरकार कुछ बता दे तो लोग उससे प्रिकॉशन कर लें। हिसार के डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार मीणा के सामने भी हमने कैंसर वाले गांव की समस्या रखी लेकिन उन्होंने भी सरकारी आश्वासन ही दिया। हिसार जिले में विशेष तौर पर कैंसर के कई मामले आ रहे हैं और वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पर केसेस भेजते हैं, रेफर करते हैं फॉर आर्थिक सहायता के लिए, जो केसेस भेजते हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर हम विशेष, जैसा आपने काम बताया, उसकी विशेष रूप से हम टीम भेज के जाँच करवाएंगे और चेक करेंगे किस कारण से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है और उसमें जो भी समाधान संभव है वो समाधान भी किया जाएगा। दो क्लोजिंग मारनी है, एक तो स्पेशल के लिए और एक इसके लिए। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के विधानसभा क्षेत्र नारनौंद में हमारी टीम विकास का सच जानने पहुंची। यहां की जनता ने हमें बताया
नारनौंद में एक बाईपास की मांग बहुत दिनों से हो रही है। 2014 में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में बाईपास मुद्दा बना था, लेकिन मुद्दा ही बना, बाईपास नहीं बना। जनता ने हमें ये भी बताया कि बाईपास न होने की वजह से इलाके में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। देखिए, नारनौंद शहर में काफी आजकल भीड़ हो चुकी है और जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर भी अतिक्रमण किया हुआ है। इस वजह से काफ़ी भीड़ भड़का हो चुका है शहर के अंदर। और जैसे कस्बा वासियों की पिछले काफ़ी समय से एक बाईपास की मांग है जो अभी तक वित्त मंत्री जी सिरे नहीं चढ़ा पाए हैं। बाईपास की बहुत सख्त ज़रूरत है जी। पिछले 4-4.5 साल से यहाँ कैप्टन अभिमन्यु मंत्री बने हुए हैं, ये समस्या ज्यों की त्यों है। जब भी प्रशासन जब भी कमेटी में जाते हैं या मंत्री जी के सामने कोई बातचीत करते हैं तो वो बहुत जल्द इसको ठीक होने का आश्वासन देते हैं, परंतु आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। जैसे लोग पहले दुखी थे, आज भी उसी तरह दुखी। नारनौंद में बाईपास ना होने से सारा इलाका परेशान है, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, दूसरे लोग भी परेशान हैं। इस क्षेत्र की दूसरी मांग है कोर्ट की। यहाँ पर सब डिवीजन तो चालू हो गया है लेकिन कोर्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो कोर्ट बननी है ना, वो हमारे सारे गांव वालों की और हमारे बुद्धिजीवियों की भी यही इच्छा है कि हमारी नारनौंद में ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने, जो अब यहाँ चल रही है। उसका चाहे सरकार थोड़ा बहुत जमीन मोल ले, चाहे कैसे ही करे, यही कोर्ट कॉम्प्लेक्स और कोर्ट जो चलनी चाहिए, उन्हीं की जितनी भी रेजिडेंस वगैरह हो यही बढ़ने चाहिए। कोई जमानत का ही लगा लो या छोटा मोटा केस है उसके लिए एक बार यहाँ आओ, उसके बाद फिर हमारे को वहाँ हांसी जाना पड़ता है। और सिविल केसेज भी जो हैं उनके लिए भी हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पब्लिक को भी, वकीलों को भी। तो उसके लिए हमारी डिमांड है कि नारनौंद में भी जो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। अगर यहाँ सब डिवीजन बन चुका है, इसके बाद भी कोर्ट ना बने तो इससे ज़्यादा परेशानी और हमें क्या होगी। हमारी टीम बीजेपी विधायक प्रेमलता के विधानसभा उचाना में पहुंची। विकास का रियलिटी चेक करने के लिए हमने यहां के डोडा गांव को चुना। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। यहां की जनता ने हमें बताया यहां पानी की समस्या इतनी विकराल है कि पीने के लिए पानी 5-6 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। गाँव के लोग लंबे समय से नहर की मांग कर रहे हैं लेकिन हर बार इनकी मांग अनसुनी कर दी जाती है। जो नीचा पानी बोर का पानी वो तो यहाँ है गलती शेरी में, तो नहर का पानी चाहिए शेरी को, इस गांव को। और नहर का पानी कई गांवों में अब आया है, 70 से ज़्यादा नानी थी वो भी नहीं आई, तो 20-25 साल से समस्या चल रही पानी की। पानी 4 किलोमीटर से पानी लाते हैं, बहुत परेशानी आती है। कोई बुग्गी में लिया हुआ है, कोई कैम में लिया, कोई साइकिल में लिया हुआ है, पानी की तो परेशानी ज़्यादा ज़्यादा है। स्थिति यह है कि उचाना के डोडा गांव के लोग बुग्गियों में भरकर पीने का पानी लाते हैं, तब जाकर इनके घरों में खाना बन पाता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं, पानी की समस्या होने के चलते इस गांव के लड़कों की शादी तक नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे गांव में नहीं करना चाहता जहां पानी जैसी मूलभूत चीज की किल्लत हो। पानी की वजह से बहुत दिक्कत आती है, 4-5 किलोमीटर से पानी लाया जाता जी, जिस पे जो साधन है जी उसके हिसाब से पानी लिया जाता जी। कोई रिश्ता भी नहीं हो रहा जी गाँव में, रिश्ते वाले आ जाते हैं जी वो भी समस्या हो जाती है जी। रिश्ते ना तो यहाँ पे रोड है ना सड़क है, कुछ भी तो लेना देना नहीं है यहाँ पे, चारों तरफ से रास्ते में खड्डे हैं। और दूसरी बात पानी नहीं है, और पानी के बगैर कहीं लेने जाएं दूर दूर तो उसमें शर्म महसूस होती है। चारों तरफ गंदे तालाब हैं पानी के, मच्छर हैं, मक्खी हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या इतना कचरा यहाँ फैल गया 4 साल के अंदर। जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कैप्टन पवन की है। सीमा पर आतंकियों से लोहा लेते हुए पवन शहीद हो गए थे। सरकार ने उनके परिवार को सरकारी मदद का वादा किया था लेकिन आज तक वो मदद नहीं मिली। माता पिता की एकलौती संतान होते हुए उन्होंने मिलिट्री को सुना। पवन कैप्टन था जी, वो मिलिट्री में था जी, उसी 3 आतंकवादी मारे और फिर वो शहीद हो गया। और उसके लिए हमें सरकार ने सब चीज़ें देने की कोशिश करी थी, फिर हमें कुछ नहीं मिला, मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिला। जो काम करना था वो कर दिया, देश के लिए शहीद हो गए, देश का नाम रोशन कर दिया, गांव का नाम रोशन कर दिया। लेकिन जो सरकार ने वायदे किए थे उनके नाम पर,
आज तक सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उनके नाम से मेडिकल कॉलेज गांव बधाना में खुलना था, बधाना गांव की बजाय जींद के एक अहबतपुर गांव में खोल दिया। उनके नाम से ग्राम पंचायत ने 40 एकड़ की बजाय 100 एकड़ सरकार के नाम कर दी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ दी है सरकार ने, जो कि एग्रीकल्चर का रीजनल सेंटर है। उन्होंने, वो इतने बड़े पद पे थे, आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हो गए, लेकिन शहीद हो गए, सरकार ने उनकी एक भी मांग को पूरा नहीं किया। उकलाना कभी हिसार का इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ इंडस्ट्री के नाम पर महज कुछ फैक्ट्रियां ही बची हैं। जनता का कहना है कि इसकी वजह है राजनीतिक दखल, सरकारी उपेक्षा और गलत योजनाएं। फैक्ट्रियां कम होने से यहां बेरोजगारी तो बड़ी समस्या है ही, कामगारों का पलायन भी तेजी से हो रहा है। एक तो जितने उद्योग है सारे एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग है, जैसे कि कॉटन फैक्ट्री और सैलर जो धान से संबंधित है, या दूसरी फैक्ट्रियां, सरकार की तरफ से कोई मदद, किसी सरकार ने भी उकलाने की मदद नहीं दी। हर सरकार में कोशिश की है, वहाँ सिर्फ विश्वास मिलता रहा, लेकिन एक काम भी सिरे नहीं चढ़ा। हमारी मंडी अंदर 85 के अंदर यहाँ 35 फैक्ट्रियाँ थी, आज ये हालात है सिर्फ 5 फैक्ट्रियाँ बाकी रह गई है, और उद्योग जो है ना बिल्कुल पिछड़ चुका है। CLU लेते लेते आदमी बूढ़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ उद्योग धंधे नहीं पनप रहे। यहाँ के कुछ कारोबारियों ने हमें बताया कि सरकारी नियमों ने भी उन्हें और कारोबार को बुरी तरह से परेशान कर रखा है। कपास है, उस पे सरकार ने अपनी घोषणाओं में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि 80 पैसे कटौती घटा दी गई है, अभी भी वही कोई लागू नहीं हुआ वो नियम। 1.5-2 साल से हम पूरी फीस भर रहे हैं। जो ये लोकल में 50,000 रुपये का ये वे बिल किया है, ये मतलब बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब ई वे बिल 50,000 रुपये में क्या आता है आजकल? उद्योग धंधे में कोई सरकार का कोऑपरेशन नहीं है, और CLU की बहुत बड़ी दिक्कत है। ये एरिया अगर पिछड़ा घोषित हो जाता है तो यहाँ पे सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल जाएंगी। हमने उकलाना के विधायक अनूप धानक से भी जानना चाहा कि क्या वजह है कि यहाँ फैक्ट्रियाँ कम होती जा रही है। सुनिए उनका जवाब क्या है। यह वजह तो सिर्फ यही है, वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक है और हमारे सांसद हैं, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के, वहाँ से भारी वोटों से जीत हुई है, तो इस प्रकार इस करके हमारे उकलाना को पछाड़ दिया गया। उकलाना के अंदर अगर कोई नए उद्योग धंधे लगाने की कोशिश करता है, अब जैसे कई हमारे जैसे जीरी के सेलर हैं छोटे, वो बड़े लगाने की बात की जाती है, ज़मीन भी बेचारों ने खरीद ली है लेकिन उनको NOC नहीं दी जाती, तो आगे अपना उद्योग धंधा बढ़ा ही नहीं सकते। उकलाना से निकलते समय हमारी नज़र एक बदहाल स्टेडियम पर पड़ी, हमने इसके बारे में भी जानना चाहा। ये चीज़ें क्यों नहीं चल पाती, ये जो हल्के के जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, MP होते हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती और वो उन चीज़ों को जो उनके नाम से ना बनी हो उनमें दिलचस्पी दिखाते ही नहीं। स्टेडियम ये है सर, एक तो पानी की कमी है, यहाँ पे पानी का नहीं है कोई साधन, और जैसे क्रिकेट का है किट वगैरह नहीं है हमारे पास। यहाँ पर क्रिकेट का कोई सामान नहीं है, खेलने के लिए किसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ आवारा पशु भी छोड़ देते हैं यहाँ पर खुले, सभी प्रकार की दिक्कत है मेन रूप से यहीं पर खेलने की। हमने विधायक जी के स्टेडियम की बदहाली के बारे में भी पूछा। जैसे साबरवास गांव है मेरा, वहाँ स्टेडियम का रूप दे दिया गया लेकिन उसकी चार दीवारी नहीं गई। बाड़क गांव से, जब बाड़क गांव में जमीन स्टेडियम के नाम करा दी, सरकार के नाम जमीन करा दी, अभी तक वहाँ कुछ नहीं किया। बदावड़ गांव में इसी तरह स्टेडियम की समस्या है। अनेकों गाँव ऐसे हैं जहाँ, पावड़ा गाँव मेरा बहुत बड़ा गाँव है, बिठमड़ा गाँव मेरा बहुत बड़ा गाँव है, शिवानी गाँव है, वहाँ मतलब कोई स्टेडियम की व्यवस्था नहीं की गई और बार बार हम मुद्दा उठाते हैं। बच्चे हमारे खेल में भी काफ़ी आगे हैं, खेलते हैं बच्चे, तो कोई स्टेडियम की घोषणा अभी तक नहीं की गई, उनको स्टेडियम का रूप नहीं दिया गया। आदमपुर विधानसभा में घुसते ही हमारा सामना जलभराव से हुआ। हमने देखा कि कनेक्टिव सड़कें ही नहीं बल्कि मेन रोड तक पानी में डूबी हुई है। स्थिति ये थी कि जलभराव के कारण इन सड़कों पर चलना मुश्किल था। लोगों ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से हर बरसात में आदमपुर का यही हाल होता है। इस बारे में कई बार सांसद और विधायक से शिकायत की गई,
लेकिन कुछ समाधान नहीं निकल सका। बहुत ज़्यादा समस्या है, थोड़ी सी बारिश आने पर भी मतलब निकासी टूट जाती है, कहीं भी जाने का रास्ता बंद हो जाता है और यहाँ क्रांति चौक पर तो बहुत पानी हो जाता है। अगर शिव कॉलोनी में जाना हो तो चारों मेर से रास्ते बंद हो जाते हैं, पानी इतना रुक जाता है जगह जगह पर। और ये समस्या तो सब जगह ही है, आदमपुर में पानी की निकासी कहीं भी नहीं है सर। विधायक सांसद विधायक जी तो कभी कभी आते हैं बार त्यौहार, इन दिनों में तो विधायक जी आए भी नहीं है। क्रांति चौक पर जाके इकट्ठा होता है सारा बाजार, आज भी भरा हुआ है, तो अंगड़ बरसात होती है तो उसके अंदर सारा बाजार भर जाता है पानी का। क्रांति चौक पे देखो जोड़ बना हुआ है जी, कोई निकलने की जगह नहीं है, शिप कॉलोनी हुई, मेन बाजार हुआ, सब हालात बुरी है जी। इस पे सरकार कोई गौर नहीं कर रही। विधायक सांसद क्या कर रहे हैं? विधायक सांसद कुछ नहीं कर रहे जी, मन मर्जी से चल रहे हैं, कुछ कोई किसी सुनाई नहीं करते। वोटों के टाइम वोट मांगने आ जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ कर पाते नहीं है जी। हमने आदमपुर के एक बीजेपी नेता से पूछा कि सूबे में उनकी सरकार है फिर भी आदमपुर का ये हाल क्यों? जवाब सुनिए। आदमपुर मंडी, आदमपुर और जवाहर नगर, इन तीनों का महाग्राम योजना के तहत 29 करोड़ रुपए से तो सीवर लाइन और 11 करोड़ रुपए से पानी की लाइन का एस्टीमेट बन के जा चुका है, उसको टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल चुकी है और ये समाधान जल्द ही वहाँ का हम कराएंगे। बरवाला में लोकसभा जाने पहुंची हमारी टीम को जनता ने बताया कि यहां की सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में जो सीवरेज सिस्टम लगा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। जनता ने सीवरेज सिस्टम लगाने में करप्शन का भी आरोप लगाया। पिछली सरकार के दौरान यहां पर सीवरेज सिस्टम डाला गया था, तो सीवरेज सिस्टम जो डाला गया था उसमें बड़ी पैमाने पर अनियमितता बरती गई थी, क्योंकि बरवाला में 19 वार्ड हैं, एक भी वार्ड में सीवरेज जो है वो कामयाब नहीं है। यहाँ करोड़ों रुपए का बजट पिछली सरकार के दौरान जारी हुआ था, आज लोगों के लिए वही सीवरेज जो है बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, बीमारियाँ पनप रही हैं, गंदे व बरसाती पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। सीवरेज यहाँ पर बहुत पुराने टाइम का प्लान उठा के डाला गया था, छोटे सीवरेज हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरा पानी रोड पर होता है, हाईवे पर कई कई दिन पानी नहीं निकलता और बहुत ज़्यादा समस्या है। सारा सीवरेज ब्लॉक है या लीकेज है, पानी में मिक्सिंग है बिल्कुल, ठीक है जी। और करप्शन तो पूरे बरवाड़ा में ही है, नगर पालिका में ले लो जी, नगर पालिका में बहुत बुरा हाल है इस टाइम। यहाँ की जो सीवरेज व्यवस्था है बहुत ही ठप है, ज़रा सी बारिश आती है सीवरेज बंद हो जाते हैं, सड़कों पर पानी भर जाता है और कई कई दिन तक पानी निकल ही नहीं पाता, जिससे सभी परेशान हैं। यहाँ की आबादी ज़्यादा है और सीवरेज बहुत ही छोटे हैं, इसकी और सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही और कोई भी आगे आकर इस समस्या को उजागर कर ही नहीं पा रहा है। बरवाला की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कनेक्टिविटी की। यहाँ की जनता ने हमें बताया कि रोडवेज बसों की संख्या और फेरे कम होने के चलते उन्हें बाहर जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में कई बार सांसद और विधायक से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिक्कत बस की है जी, ये चलती नहीं जी, बहुत कम चल रहा है बस। कम से कम पौने घंटे के बाद बस आती है और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, सभी मतलब स्कूल वाले कॉलेज वाले बच्चों को सभी को मतलब दिक्कत होती बहुत ज़्यादा। सर जो ये बस हांसी से बरवाड़ा आती ना सुबह 7:45 वाली 9:15 वाली, इनमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सवारी गाँव में ही रह जाती सर। नेताओं के दावों का सच जानने के लिए हमारी टीम जैसे ही बवानी खेड़ा विधानसभा में पहुंची, हमारी नजर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पड़ी। दरअसल प्राकृतिक आपदाओं के चलते इन किसानों की खेती नष्ट हो गई है। अब सरकार की तरफ से इन्हें ना तो मुआवजा मिल रहा है और ना ही बीमे की रकम। आज जो हमने सारे भिवानी जिले के अंदर हमारा ये प्रदर्शन हो रहा है, इसका मुख्य कारण है कि तीन प्रकार की आपदाएं आई, प्राकृतिक आपदाएं। सबसे पहले आई सूखे की, पीछे आज से 15 दिन पहले सूखा था।
सूखे के कारण तो हमारा ग्वार, बाजरा, मूंग, जो भी ऐसी भूमि थी जो केवल मात्र बरसात पर निर्भर थी, वो सारी बर्बाद हो गई। और उसके बाद जैसे कुछ पर बरसात आई, बरसात आने के बाद ऐसे जहरीली बीमारी आई जिससे हमारी कपास जो है उसमें तीन तरह की बीमारी आ गई। एक उगेड़ा की आ गई, साथ झुलसे की आ गई, साथ ही सफ़ेद मक्खी आ गई। और उससे जो कपास हम उम्मीद कर रहे थे कि 30 क्विंटल तक होगी हमारी कपास, वो कपास अब 7 मण 8 मण पर आ गई है। और जो बची है उसकी होने की कोई संभावना भी नहीं रही क्योंकि बरसात इतनी हो गई हो। अब ये 3 दिन की जो मार है बरसात की, इसने जीरी को भी तबाह कर दिया क्योंकि जीरी अब पूरी फली हुई थी। इसलिए हमारी सरकार का ये कहना है कि स्पेशल गिरदावरी हो और किसान को बताया जाए कि उसको कितना नुकसान दिखाया है, क्योंकि उसमें जब गिरदावरी होती है उसमें भी काफ़ी गड़बड़ की जाती है। और जिसने बीमा करवा रखे उसको बीमा मिले और नहीं तो औरों को मुआवजा मिले, क्योंकि बीमा तो 20% किसानों ने भी नहीं करवा रखा। ये किसानों की जायज़ मांग है। इसमें प्राकृतिक आपदा है, पहले तो सूखे से ग्वार बाजरा ये फसलें नष्ट हो चुकी थी, फिर बाद में सफ़ेद मक्खी की बीमारी आई जो कपास को ले डूबी, और अब बेमौसमी जो बरसात हो रही है इसने धान की फसल भी बर्बाद कर दी है। इसलिए किसान की तमाम फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो चुकी हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं किसान को इस नुकसान का जायज़ फायदा मिले और किसान को संतुष्टि कराए। स्पेशल गिरदावरी मांग करते हैं, बगैर गिरदावरी के कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार जल्दी से जल्दी स्पेशल गिरदावरी के आदेश करे और किसान को बेनिफिट दे। इसीलिए ये आज धरना हमने ब्लॉक वाइज दे रखा है। किसानों ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगे कई बार अपने सांसद और विधायक के सामने रखी, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। कोई भी नहीं है जी किसान के प्रति, जो सांसद विधायक की जी कोई भी नहीं है, और रहे वो भी नहीं गा और है भी नहीं पीछे भी। ये तो खुद अपनी मेहनत पर जीतते हैं और अपनी मेहनत पर मर जाते हैं। घोषणा तो करते हैं जी, वायदे करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जैसे कहा कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, बस कहते रहे और कि आज तक भी नहीं है। क्षेत्र में आगे बढ़ने पर हमें पता चला कि यहाँ एकमात्र सरकारी अस्पताल खुद बीमार है। इस अस्पताल की इमारत खंडहर में तब्दील होती जा रही है, लेकिन हमारे नेताओं का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। ऐसे है कि ये जो होती है समस्याएं अपनी जगह चलती है, काम अपनी जगह चलता है। हम एक इस कोई भी सरकार जो है एक मिनट में या एक सीमित समय में सुधार नहीं आ सकती। बाकी पास ही प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसके अंदर भी हमारे जो सेठ जी हैं उन्होंने काफ़ी डोनेट किया है। सरकार की तरफ से भी हम समय समय लिखते रहते हैं, जो रिपेयर आती रहती है और काम चला रहे हैं। जो भी हाल स्टाफ के अंदर डॉक्टरों की कमी है यहाँ पर, और जैसे जैसे भर्ती होती है आते हैं लोग चले जाते हैं, अभी डॉक्टरों की कमी तो है यहाँ पर। सरकार ने बवानी खेड़ा में एक यूनिवर्सिटी बनाने का भी वादा किया था, लेकिन 4 साल में यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ बाउंड्री वॉल ही मिल पाई है। सच जानने के लिए हमारी टीम जब हांसी विधानसभा में पहुंची, तो सबसे पहले हमारा सामना आवारा पशुओं से हुआ। हमने देखा कि हांसी की कई सड़कों पर आवारा पशुओं का कब्जा है। हांसी की जनता ने हमें बताया कि आवारा पशु यहां की सबसे बड़ी समस्या है। हर चुनाव में इनसे निजात दिलाने की बात कही जाती है, लेकिन चुनाव के बाद वादे भुला दिए जाते हैं। दिक्कत ये पशु वाली है जी, सारा दिन जो पशु यहाँ से ले, सारे रोड के ऊपर ही सारे पशु है। जहाँ भी देखो पशु है, कोई कुत्ता आ जाता है, कोई बिल्ली आ जाती है आगे बजे, सारा यही हाल हो रहा है। सारे गऊ ये कुत्ते वगैरह जितने बहुत दिक्कत होती है, गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी होता है यहाँ पे नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा इसके बारे में। आप भी देख लो रोड के ऊपर कितने डांगर बैठे हैं, आप भी देख सकते हो। आप रात को काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, जानों से बहुत ही परेशानी हो रही है। रोड पे आने जाने विकल को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। रोड पे बहुत ज्यादा जानवर हो रहे हैं इस रोड के ऊपर। लोगों ने हमें ये भी बताया कि इन आवारा पशुओं के चलते अक्सर एक्सीडेंट भी होते हैं।
बावजूद इसके नेताओं और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जानवर से दिक्कत ये शहर में बहुत ज़्यादा जानवर हो गया है, गाय और ये खागड़ बहुत हो गया है, रोड पे जमा हो जाता है, आदमी चोटिल हो जाता है, दुर्घटनाएं होती रहता है और प्रशासन इसको कोई संभाल ही नहीं पा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके बारे में, और रात को तो बहुत दिक्कत है इसमें, रात को दिखते भी नहीं है बिल्कुल ही, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हमने हांसी के नगर परिषद के उप प्रधान से भी समस्या के बारे में पूछा, लेकिन उनका जवाब भी गोलमोल ही रहा। इसके लिए मैंने सरकार को 2-3 लेटर भी लिखे हैं, जिसमें मैंने उनको गौशाला और नंदीशाला को अलग अलग बनाने का सुझाव दिया है, ताकि हम लोग इनकी पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, और इस समस्या से जो रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और इतने लोग यहाँ पे रोज़ घायल होते हैं, मारे भी जा रहे हैं, वो हम कंट्रोल में ला सकें। MLA मैडम है, वो बहुत कम आती हैं यहाँ पर, उनका ध्यान बहुत कम है। बीजेपी विधायक कमल गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र हिसार में घुसते ही हमारा सामना सड़कों पर आवारा घूमते और सड़कों को जाम किए आवारा पशुओं से हुआ। जनता ने बताया कि आवारा पशु यहां बड़ी समस्या बन चुके हैं, कोई गौशाला न होने के चलते गायों और नंदी सड़कों पर ही डेरा जमाए रहते हैं, इनके चलते सड़क जाम तो होती है ही, एक्सीडेंट भी खूब होते हैं। लोगों ने ये भी बताया कि हर बार के चुनाव में आवारा पशुओं का मुद्दा जोर शोर से उठता है। खुली छोड़ी हुई है गौशाला में, नहीं रखते हैं लोग, और इससे रोज एक्सीडेंट होते हैं, कभी बच्चे को मार जाती है, कभी लोगों को मार देते हैं, जाम हो जाता है, वहाँ जाम खुलता नहीं है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, दुर्घटनाएं होती है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो गायें हैं ना, वो सड़कों से उठा के गौशाला में रखी जाए। पे आजकल अपने यहाँ पे गाय गुए बहुत रोड पे पड़ी रहती हैं, ऐसे ही बैठी रहती हैं, इतने एक्सीडेंट होते रहते हैं और ट्रैफिक जाम भी होता रहता है। अब कल परसों की बात है, कल ही एक्सीडेंट हुआ मिड टाउन ग्रैंड के बाइक पे, एक बच्चा भी मर गया उसमें भी। ये आजकल जो यहाँ पे गायें घूम रही है, ये बहुत भारी समस्या बन चुकी है। चुनाव के टाइम में ये कहते हैं कि भाई इनको हटाएंगे, इनको गौशाला में रखेंगे, पर नहीं, यहाँ पे आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं गायों की वजह से। हमने हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता से भी इन आवारा पशुओं के संबंध में जवाब तलब किया। मैं आपको बताऊं कि 50 एकड़ जमीन GLF की हमने निगम को दी है, उस 50 एकड़ में से 25 एकड़ में हमारे जो ये बाड़े हैं और जो शेड्स हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं, उसकी चार दीवारी शुरू है, वो होने के बाद यहाँ के अनेक प्रकार के जो नंदी हैं वो हम वहाँ वहाँ शिफ्ट कर देंगे। 50 एकड़ का जो प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का था वो शुरू हो चुका है और ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। आवारा पशुओं के अलावा हिसार का जिला अस्पताल भी जनता के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में ना तो पर्याप्त डॉक्टर्स हैं और ना ही सभी दवाइयाँ। इतना ही नहीं, अल्ट्रासाउंड की एक ही मशीन होने की वजह से लोगों को जांच के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। स्थिति ये है कि हर जगह गुहार लगाने के बाद भी अस्पताल की हालत को सुधारने के लिए जनता को अनशन पर बैठना पड़ रहा है। एक मशीन होने के कारण उन महिलाओं को एक एक घंटा कई कई दिनों तक, कई कई घंटों तक उनको इंतजार करना पड़ता है। लाइनों में कई कई घंटों तक लगी रहती हैं, सुबह आती हैं शाम तक लगी रहती हैं लाइनों में, और कई बार तो कई कई दिन तक उनका नंबर नहीं आता। ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि वो अल्ट्रासाउंड की मशीन प्रोवाइड करवाएं, अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड करवाएं, और कम से कम जो गर्भवती महिलाएं दूर दराज के इलाके से आती हैं उनके लिए बैठने की सुविधा हो, पीने के लिए पानी हो, बैठने के लिए कुर्सियाँ हों, ये चीज़ तो कम से कम जो एक सर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो प्रोवाइड करवाएं। आपको बता दें कि हिसार में एक एयरपोर्ट भी बना है जिसे 15 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। एयरपोर्ट की इमारत तो बन गई लेकिन यहां से उड़ानें अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं।